तो गाइस मैं अपनी बाइक का नंबर प्लेट लगवाने के लिए आ चुका हूँ, और नंबर प्लेट लगवा के जाएंगे यहाँ से करोलबाग। करोलबाग से मेरे को इस पर फिल्म वगैरह लगवानी है, कुछ एक्सेसरीज वगैरह लगानी है, तो करोलबाग जाके मिलते हैं। यहाँ पे पहले नंबर प्लेट वगैरह लगवा लेते हैं। तो गाइस ये हमारी बाइक में नंबर प्लेट लग रही है और कैंसिल कर दो हमारी। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं यहाँ से करोलबाग, नंबर प्लेट हमने लगवा ली है, और करोलबाग में जाके इसका हम इस पर रैपिंग वगैरह कराएंगे और कुछ एक्सेसरीज वगैरह लगाएंगे, जैसे रेडिएटर ग्रिल वगैरह आएगी इसकी वो लगवाएंगे, और देखते हैं और क्या क्या मिलता है, देखते हैं वहाँ पे पता चलेगा क्या क्या एक्सेसरीज इसकी आती है, और तो वो सब चेंज करवाऊँगा मैं इसमें। ज़्यादा तो अभी मेरे को, क्योंकि अभी पहली सर्विस भी नहीं हुई है, तो मेरे को वो सब तो चेंज नहीं कराना, एग्जॉस्ट वगैरह वो सब हम बाद में देखेंगे। इधर जाना ना, इधर जाना है। तो गाइस पहुंच चुके हैं हम करोलबाग, और यहाँ पे रेडिएटर ग्रिल वगैरह लगा रहा हूँ मैं अपनी बाइक में, और लगाते हैं, देखते हैं कैसे लगेगी। तो गाइस यहाँ पे हमने रेडिएटर ग्रिल भी लगा दी है, अब कुछ इसमें जुगाड़ करना। भाई ये वायर ना ढक देना, ये हॉर्न की वायर दिख रही है ना, खोल तो लगी हुई है आपकी, पहले मैंने तो कुछ इसको ऐसे टाई संभालना पड़ रहा, क्योंकि इसमें जो नट है ना वो बहुत पीछे है, तो वो लग नहीं पा रहा, तो कुछ इस तरह से टाई बेल्ट से इन्होंने बांधा इसको, और बाकी ऊपर तो पेच लगे चुके हैं। तो गाइस एक ये हजार्ड बल्ब लगवा रहे हैं हम इसके अंदर, इंडिकेटर का, ये प्लग एंड प्ले वाले हैं, लगा करके दिखाएंगे इसको कैसा लग रहा है, और अभी इसकी वायरिंग वगैरह आई थिंक यहीं से हो जाएगी, कोई इसमें स्विच भी नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, डायरेक्ट इंडिकेटर के जो स्विच है उससे ऑपरेट कर सकते हैं हम इसको। मोड वोड का कैसा होगा, मोड का कैसा होगा, इंडिकेटर के वहाँ से लगाएंगे तो जो भैया की बाइक में, भैया की बाइक में इसने तो स्विच लगा रखा है, वो कह रहे हैं कि विदाउट स्विच ही हो जाएगा इसके इंडिकेटर से। नहीं वो तो लेफ्ट राइट इंडिकेटर हो जाएगा, मोड कैसे चेंज होंगे उसमें, किसने स्विच होता है, स्विच लगाएंगे नहीं बनाया कर रहे स्विच लगेगा, आपको एक बटन मिलता है उसमें। तो गाइज अपने हजार्ड बल्ब लग चुके हैं, इंडिकेटर कुछ इस तरह से जल रहे हैं, काफ़ी सही लग रहे हैं गाइज, देख सकते हैं आप। उसके गाइज बाइक में क्या है, इंडिकेटर वगैरह चेंज कराने की ज़रूरत ही नहीं है, ना लाइट चेंज कराने की ज़रूरत, ना कुछ, क्योंकि इसमें सब कुछ LED आता है, तो आप देख सकते हैं पीछे के भी जरूरत उसके मोड एक बार हम समझ लेते हैं कैसे होगा, डायरेक्ट इंडिकेटर के बटन से ऑपरेट कर सकते हैं हम इसको। ये बनाओ इसका सिंगल पीस, कोई नहीं करता सिंगल ठीक है सर, चेंज का हो रहा है, ऑफ कर दिया ना मैंने, चेंज कैसा होगा, चेंज ये लो
एक बार राइट, बीच में लेफ्ट, राइट लेफ्ट बीच में ऑफ। तो काफ़ी ठीक रहता है यार गाइस हाईवे पे चलाने के लिए, मतलब और बाकी टेस्टिंग वगैरह अभी भी चल रही है। तो गाइस बाइक हमारी रैप हो चुकी है लेकिन अंधेरा हो गया है, तो कल सुबह दिखाएंगे आप लोगों को। और